ગતરોજ હનુમાન જયંતિ નિમિત્તે વડોદરાના SVPC ટ્રસ્ટ દ્વારા સુંદરકાંડ પાઠ તેમજ મહાઆરતીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં લોકસભા અધ્યક્ષ સુમિત્રા મહાજન તેમજ વિધાનસભા અધ્યક્ષ રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. 5000 દીવડાઓની મહાઆરતીમાં મોટી સંખ્યામાં ભાવિક ભક્તો પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને આરતીનો લાભ લીધો હતો. मैं यहाँ पे कोई चुनाव के संदर्भ में नहीं आई, अर्थात सबके साथ मेरी ये तो है, सांसवाल ही नहीं पार्टी के साथ हूँ, लेकिन मैं विशेष रूप से गरुड़ेश्वर दर्शन के लिए यहाँ पर आई हूँ. कल जाके दर्शन करूँगी. अभी तो कुछ नहीं डिफरेंस लग रहा है, वही प्रेम वही उत्साह लोगों में है और ऐसा लगता है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने जो काम किया है उससे लोग केवल संतुष्ट नहीं है मगर अपेक्षाएं जरूर उनकी और बढ़ गई है. वो तो वहाँ आओगे तो बता दूंगी, अभी दे अभी तो शुरुआत नहीं, वहीं से बिलोंग करते इसीलिए हाँ हाँ नहीं तो है ना, क्यों नहीं होना चाहिए. देखो वहाँ चुनाव जीतना तो है ही और माननीय दिग्विजय सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके कार्यकाल में कुछ घटनाएँ हो गई हैं तो उनको कुछ बातों का जवाब तो देना पड़ेगा. और दूसरी बात यह कि उनके कार्यकाल में एक और विशिष्ट बात जो हुई कि उनका एक स्टेटमेंट था कि विकास से कुछ नहीं होता है, काम से क्या कुछ होता है, इट इज़ ए मैनेजमेंट, चुनाव जीतना मैनेजमेंट है. अब वो भी हम देखेंगे. तो उन्होंने काम तो ज़्यादा कुछ किया नहीं था एज ए मुख्यमंत्री, तो वो सब बातें आएगी. लोग बोल रहे हैं कि भाई विपक्ष बोल रहा है कि साध्वी जी को टिकट दिया है, तो ये कहाँ का न्याय है. नहीं नहीं टिकट तो दिया है तो क्या हर्ज है, साध्वी हो गई तो भी चुनाव तो लड़ सकती है, उनकी अपनी भी इच्छा थी. और हमने देखा हमारी एक मंत्री भी साध्वी रह चुकी है और उमा भारती तो उत्तम उदाहरण है उसका. तो साध्वी दे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए ऐसा तो कोई नियम है नहीं. सब्सक्राइब करो फैक्ट फंड न्यूज चैनल ने अने यूट्यूब पर बेल आइकन दबावी समाचारों ने तमाम अपडेट मेड़वो.